यह भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयांक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जैसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon every indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making ओके okay, तो ये जो आप पूरा नीचे देख रहे हो वो कम्पलीटली ऑटो जनरेटेड है पाइथन कोड में पहले आपको छोटे छोटे डिटेल्स बता देता हूँ जो आपको स्क्रीन पे हो पहले तो कम्पलीटेड इवेंट्स का बीच में सर्कल एक और आ जाता है नोटिफाइंग हो कम्पलीटेड इवेंट है सेकेंडली हर इवेंट्स जो है लॉन्च के चाहे वो सेपरेशन हो या फेरिंग सेपरेशन जो भी है सब ऑल्टरनेटेड है ऊपर नीचे ताकि उन्हें स्पेस मिले क्योंकि इसरो के काफी सारे इवेंट्स है वो बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन या लाइन्स में आते हैं थर्डली एक और चीज मिस किए होंगे शायद आप ये जो नीचे पर्पल लाइन दिख रहा है वो एक मिशन प्रोग्रेस बार है। काफी टाइम ऐसा होता है कि 10 मिनट बीत गए 20 मिनट बीत गए कितना टाइम है भूल जाते हम टोटल मिशन होते जा रही है उससे हमें आएगा कि कितना मिशन प्रोग्रेस हो चुका है एज ऑफ नाउ ये आ, मैं, मतलब मुझे बहुत खुश हुई इस जैसे ये निकला इससे हुआ क्या बहुत सालों से मैं लाइफ स्ट्रीम्स कर रहा हूँ इसरो के जो को लाइव स्ट्रीम्स है प्रॉब्लम क्या होता था बताया मेरे को वो सब प्री जनरेट करके रखने पड़ते हैं मतलब मैं अगर कल सपोज स्ट्रीम है कल है एक्चुअली स्ट्रीम इस वीडियो की अगले दिन 56 का स्ट्रीम है सुबह छह बजे तो मेरे को एक दिन पहले पैनिक में बैठ के ये वीडियो जो है लाइव स्ट्रीम का जो आपने देखा होगा जो मेरा स्पेस एक्स स्टाइल था वो जनरेट करता हूँ इसरो इसरो ब्रॉशर रिलीज करते हैं हर मिशन से पहले ठीक है जिसमें लिखा होता है की बीस सेकंड के बाद ये होगा सौ सेकंड के बाद ये होगा जो भी है वो डेटा लेके मैं अपने टाइम में डालता था और एक

वो लिटरली एक वीडियो है बस सिंक् प्रॉपरली है पूरे उसके साथ लाइफ के साथ तो ये काफी तकलीफ था क्योंकि पहले तो मोर देन हाफ एन आवर तो रेंटर करने में जाता है प्लस एक दिन पहले दो दिन पहले ये पैनिक का बैठ के करना है है करना कल करेंगे परसों करेंगे वो बहुत ज्यादा था चंद्रयान थ्री के टाइम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था सिचुएशन क्योंकि पहले रात ही मैंने वीडियो डाला था और सुबह उठ के ये भी करना था तो सोचा फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ये तो कोड कर ही सकता हूँ

वैल्यू पे उसके सर्टन डिस्टेंस के बाद फेयरिंग या स्टेज वन जो भी है ऑटोमेटिकली जनरेट होगा अब उनका डिस्टेंस मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो अगर दो सर्कल्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है मतलब वो ज्यादा टाइम लेंगे जो नजदीक है वो कम टाइम लेंगे ऑल्टीट्यूड और वेलोसिटी का थोड़ा झंझट आपने देखा होगा जैसे ही रॉकेट थोड़ा ऊपर गया मेरा डिस्प्ले टू किलोमीटर दिखाने लगा अब वो एक अब वो एक है बहुत बड़ा है छोटा नहीं है क्योंकि इसरो का फाइन टेलीमेट्री नहीं मिलता राइट सिमुलेशन टेलीमेट्री मेरे पास वो ग्राफ नहीं है एग्जैक्ट तो मैं क्या करता हूँ मैं लीनियरली इंटरपलेट करता हूँ मतलब सपोज जीरो सेकंड पे जीरो किलोमीटर और सेकंड पे किलोमीटर पहुंचता है रॉकेट तो मैं हर सेकंड एक किलोमीटर बढ़ाऊंगा पर रियल में वैसा नहीं होता है रियल में वो वो प्रॉपर ग्राफ है है पहले कुछ seconds के बाद मतलब अब क्या लिमिटेशन मेरा सिस्टम का बट मेरे पास एक सोल्यूशन सोचा है मैंने वो फ्यूचर में आपको अगर काम करता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर तो मैं प्रोसेस डेटा क्लिक करता हूँ प्रोसेस डेटा क्लिक करते ही वो सब जो भी डेटा डाला है मैंने मिशन वो सब डिक्शनरीज वगैरह फॉर्म हो जाते हैं एंड देन में जैसे ही